यहाँ पर सारे बच्चे जो है वेलकम के लिए खड़े हुए हैं। माशाल्लाह बेबी सब आ जाएंगे और जो है रश हो जाएगा। ठीक है माशाल्लाह। Thank you.
अपनी डिमांड बताया। डिमांड बता दूं, मेरी डिमांड है पूरे 1,00,000 रुपए लूंगी। डेढ़ लाख दे रहे हो आप खुशी में? खुशी में 2,50,000 दे रहे हो? ओह माय गॉड, 2,00,000? फिर तो 3,00,000। अच्छा चलो ना, 2,00,000 तुम्हारा नहीं करो बच्चों, बस 1,00,000 हम आपको पूरे छूटे 1,00,000 भी कम नहीं, पूरे 1,00,000 पूरा 10,00,000 बोला, 10,00,000 रिकॉर्डिंग चेक करो, रिकॉर्डिंग चेक करो, 10,00,000 बोला ना, 10,000 10,00,000 बोला, 1,00,000 हो गया। चलो गाइस, शादी नहीं बड़ी गाइस, 1,00,000 के हमने रहेंगे। और पिछली दफा 10,00,000 है ना, और फिर वो मैं बाद में बताऊंगी ना, फिर बात तो यहाँ की है ना, वो एडजस्टमेंट तो यहाँ की है, एंट्री की है, वो हम कोऑपरेट कर लेंगे। यार मोहब्बत नहीं, मैं 1,00,000 अंदर आता हूँ, अंदर सब भी बहुत है, थोड़े नीचे आ जाओ। चलो चलो सबको सबको देना, यार मोहब्बत से ना घट करो, 1,00,000 मेरे ख्याल से काला की बहुत जरूरत पड़ रही है अभी। हमारी साइड से आवाज नहीं है, ये माने अभी डन 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 20,000 का डंड हो गया। चलिए आपको चेक बना देते हैं, 1,00,000 का पूरा चेक बना। नहीं, चेक नहीं, आप पैसे लाए मुझे पता है, वो देखना चाहते हैं, गाड़ी के साथ आए होंगे। 1,00,000 कैश लेना है हमने इतने अंधेर में आए तो हमेशा कैश तो लेके नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ डाका पड़ जाता है। नहीं, कौन सा सफर है ये? इतनी रात को कौन ढोल वाला चलो बस तय हो गया, 20,000 रुपए। पचास वाला भी बोल रहा है, ठीक है।
रुको खामोश 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 रुको 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 अब पीछे प्लीज 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 आप लोग माइंड ना कीजिएगा थोड़ा सा पीछे देखिए आप लोग प्लीज थोड़ा सा पीछे अच्छा 30,000 एज डिस्कस सबके सामने 30,000 चुप करो चुप करो चुप करो हो गया मेरे शर्मानी की पेनी तीस हजार तीस हजार तीस हजार ठीक है 30,000 बच्चे नहीं थे अच्छा दूर जाओ दूर जाओ दूर जाओ आप यहाँ से बाहर चले पैसे दो पूरे 30,000 दो जल्दी ये यहाँ पर एडिटिंग स्टार्ट होगी कितने 30,000 पूरे है ना बिल्कुल भाई कैमरे को दिखा दे ऑन कैमरा दिखा रहे अभी शोर मचाना 30,000 दे रहा है लड़कियों सारे काउंट कीजिएगा आप दे दो ये दो अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं मेरी यूट्यूब की प्यारी फैमिली यहाँ पर जो है हमारी ब्राइड जो है वो रेडी हो चुकी हैं तो माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बताइएगा कितनी प्यारी लग रही है उनके हैंड में जो गाने हैं वो कितने प्यारे लग रहे हैं और ड्रेस कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह ख़ुद फातिमा कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कितनी प्यारी लग रही है और बहुत सारी दुआएँ दीजिएगा ठीक है और आज का व्लॉग कैसा है ये भी ज़रूर बताइएगा मगर अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा बैड कमेंट्स नहीं कीजिएगा प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है बस आज तो शादी और फिर एक वली में का फंक्शन रह गया बस सारे फंक्शन ख़त्म शादी का कितनी शिद्दत से इंतज़ार होता है और ख़त्म कैसे हो जाती है चाहे शादी अपनों की हो बाहर किसी की हो जो भी हो तो शादी के फंक्शन का हम बड़ी शिद्दत से इंतज़ार करते हैं लेकिन फिर पता भी नहीं चलता ख़त्म हो जाती है कितना अरसा हमें शॉपिंग करवाती है हम कितना अरसा भागते हैं लेकिन जो है चुटकियों में ये वक्त गुजर जाता है बहरहाल अल्लाह ताला बहुत अच्छे नसीब करे हमारी दुआ है फातिमा के अल्लाह ताला इसे बहुत सारी खुशियाँ नसीब करे आमीन। आज के व्लॉग में मैंने ज़्यादा वॉइस नहीं की मैंने चाहा कि शादी की ओरिजिनल जो साउंड होती है वो बहुत अच्छी लगती है मुझे शोर शराबा हल्ला गुल्ला तो आप वो सुनते रहें बस वॉइस ओवर मैंने लास्ट आपको व्लॉग में भी बताया था वॉइस ओवर मैं तब कर रही हूँ जहाँ पर म्यूज़िक की आवाज़ काफ़ी ऊँची हो जाती है और आपको पता कि कॉपीराइट का इशू हो जाता है इस वजह से मैंने जो है जहाँ पर म्यूज़िक ज़्यादा आने लगती है तो जो है मैं वहाँ पर वॉइस ओवर कर लेती हूँ तो ये जवाहिर व्लॉग सिस्टर जो हैं उनकी तरफ से बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट फातिमा के लिए ये हैंडमेड गाने हैं जो कि माशाल्लाह 2 महीने में तकरीबन बने क्योंकि ये सुई का काम है और बहुत मेहनत वाला काम है तो बहुत ही ज़बरदस्त बनाए गए माशाल्लाह फातिमा को बहुत पसंद आए और फारूक यासीन को भी बहुत पसंद आए और सितारा को भी बहुत पसंद आए माशाल्लाह माशाल्लाह वाकई खूबसूरत वाकई बहुत हैं और अल्लाह ताला जो है फातिमा के नसीब भी इसी तरह बहुत ही खूबसूरत बनाए आमीन। आ जाए अभी हमारे यहाँ रिवाज होता है कि दुल्हन का जो भाई होता है वो गाने पहनाता है और ये सो रहा था तो अभी इसको जगाया फिर से क्या भूल जाए आए अभी आ गया ना म्यूज़िक होने की वजह से मुझे दोबारा वॉइस ओवर करनी पड़ रही है यहाँ पर म्यूज़िक जो था उसकी आवाज़ काफ़ी जो आपको पता है कि कॉपीराइट इशू हो जाता है इसकी वजह से मैं नहीं बांध पाई और ये जो है यहाँ पर इनकी रस्म होती है कि गाने जो हैं वो
भाई जो है वो बांधता है। तो यहाँ पे सितारा यासीन भी आपको यकीनन नज़र आ ही रही होंगी, वो भी खड़ी हैं। और जो इसके दुल्हन के गाने हैं वो उसे उसका भाई जो है वो बांध रहा है, और इसके साथ बांध के उसने बहुत सारी दुआएं दी अपनी बहन को, सिर पे हाथ रखा। अल्लाह हर बेटी के नसीब अच्छे करे। माँ बाप तो अपनी बेटियों को हर चीज़ दे के भेजते हैं, आगे नसीब नहीं वो दे सकते, और अल्लाह ताला हर बेटी का नसीब बहुत अच्छा करे, मेरी दिली दुआ है। क्योंकि सिर्फ शादी करना काफ़ी नहीं होता, आगे नसीब की बड़ी टेंशन होती है। तो बहरहाल अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब बहुत अच्छे करें। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारे गाने बने हैं जो ब्राइड ने पहन लिए हैं। तो ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे हैं, कैसे लगे आपको। तो मैंने वॉइस ओवर बिल्कुल नहीं करनी थी, मुझे मजबूरन वॉइस ओवर करनी पड़ रही है कॉपीराइट के इशू की वजह से। ओके दरूद पाक अम्मा ने कहा था, दरूद पाक नहीं, सच में बहुत खूबसूरत आपने ये बनाए हैं, मुझे बहुत पसंद आए आपके। दो महीने पहले मैंने हमारे ऐसे ड्राई फ्रूट के भी होते हैं, पूरा ड्राई फ्रूट कैसे, ऊपर ये नारियल का जो खोपरा होता है बेटा टूट जाएगा, ऊपर ये नारियल का जो खोपरा होता है ना, और बाकी पूरे नीचे ड्राई फ्रूट वो माइयों का होता है। अभी वो दोनों हाथ सामने करें, फातिमा सामने करो दोनों हाथ, माशाल्लाह। निम्र इसके हैंड सामने करवाओ जैसे हम करवाते हैं, हाँ ऐसे जैसे हम चूड़ियां पहनते ना, हाँ ऐसे। तो यहाँ पर जो है रोटी खुल चुकी है, और इतनी सर्दी में चाय पीने का अपना ही मज़ा है, और जरदा इतना टेस्टी था कि मैं आपको बता नहीं सकती, खाना बहुत टेस्टी था। लेकिन उसमें जरदा, क्योंकि जरदा तो मेरा बहुत ही फेवरेट है, तो मेरी नज़र में जरदा सबसे ज़्यादा टेस्टी था। बाकी खाना भी बहुत अच्छा था, और इतनी सर्दी में चाय का एक अलग ही सुकून मिल रहा था ना, इतनी सर्दी में चाय होना बहुत ज़रूरी है। शुक्र है इन्होंने बॉटल्स वगैरह नहीं रखी, मैं दुआ मांग रही थी कि अल्लाह करे चाय ही हो, और वो भी ओरिजिनल चाय, मतलब कश्मीरी चाय ना हो, क्योंकि जो असली चाय जो होती है ना वो जो काम करते हैं ना, कश्मीरी चाय का काम ही नहीं है। निकाब कितनी बेटी क्यों सर नाराज थी यार, मैं क्या मां के क्वा क्या मां जी अपा 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 कौन से नाराज हो क्या, कहना फिर क्या स्मेल कर रही हो, तो निकाब तो रहा, वाह भाई वाह प्यारी लग रही है, निकाब तो उतारो, अब तो प्यारी लग रही हो, चूड़ियां तो दिखाओ, इतनी प्यारी चूड़ियां दूना लग रही है मुझे तो तस्वीर
तो सबसे रिक्वेस्ट है इसके लिए बहुत दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे। सारा बेटी का इसमें बहुत मेहनत है हमारी सारा बेटी की, तो अल्लाह ताला सारा बेटी की लंबी उम्र करे। इसने इतना खर्चे किए और भाई अच्छा सा भाई उसने शादी का अरेंजमेंट किया है, अपनी बेटियों जैसे उसे रुखसत कर लिए, जैसे बंदा बेटी को रुखसत करता है, ऐसे भी सब लिए भाई की बेटी है उसने अपनी बलू तो बुझे कर, अगर किसी को कुछ बोलना तो निकल वाले से मैंने म्यूजिक लगाना है जी। इधर ही रुक, मैं यहाँ पे कैसे फटाएंगे, ऊपर लाइटिंग नहीं है। नहीं नहीं लाइटिंग होगा, हाँ पक्की बात है, टेंट को होगा लाइट को कुछ होता, ये पक्की बात है जी। चिंगारी उड़ेंगी ना, ये भी तो तारे बने जाते। आप ये शूट कीजिएगा इन सारी छोटी मोटी बातों का, जैसे मैं अभी बातें कर रही थी। नहीं ऐसा कुछ भी होगा, ये सिर्फ प्रैंक के लिए ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। और लाइटों का नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। अच्छा यहीं पर ही करना है, यही करते हैं इस कॉर्नर पे। आप लोग को थोड़ा थोड़ा पीछे चले जाए, पीछे पीछे कपड़े आप पीछे कर रहे हैं, आप बताएं आप वहां से चले जाओ उसको ये नहीं है We'll be right back.
जूते उतारो, इसके लिए जूते उतारो कि तो रस्म करे। मैं सर्दी में अकेला पैदल जाता भाई, अपने जूते अपने सर वाले को दे दे आप। इतनी बड़ी सोच करनी है जो हां सितारा को उठाने वाला नहीं है। अच्छा ये हाथ ऊपर करके सितारा डालते हैं आपने। चलो चलो ये हाथ आपने ऊपर करना था, नीचे नहीं करना था। करना है आप ऊपर करना, उस वक्त करना था। ये हमारे हाथ है, बहुत पुराने ये। अब कहाँ ऊपर जा रहे हो? अब चाची करी। अब तो जो होना तो हो गया है। ये कितना, सात बार ना? सात बार ऊपर नीचे ऐसा करना। नहीं नहीं चलाओ ना ढोल, ढोल ढोल बजाओ सोना, ढोल तो बजा दो। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ए अम्मी, हेलो भाई। अम्मी अम्मी कने वो जब भाई ना तू बड़ा अब्बू मेरा बड़े नाम। अच्छा अच्छा मेरी साइड से जो वकार को दूल्हे को गिफ्ट है वो सबसे पहले तो ये खूबसूरत सा परफ्यूम है, इसकी बहुत प्यारी सी खुशबू है जो फातिमा और वकार इस्तेमाल करेंगे तो उनको उनकी फुफो याद आएगी हमेशा। ये लो ये मेरी तरफ से। कोई ढोल तो बजे ही नहीं मेरे। अभी अभी एक और गिफ्ट भी ठीक है। ये वाला गिफ्ट है, ये देखो ये मैं पहना दूँ, खुलेगा? हाँ हाँ खुलता है। कैसे अम्मी? ऐसे ये वाला माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला ई दे नसीब बच्चे करे। अल्लाह ताला ये जिसमें घर में जा रही है अल्लाह ताला इस घर को भी रंग ला दे। आमीन आमीन आमीन। ए भाई ए मेरे घर बनती है दुल्हन भाई। हाँ ठीक है जी ठीक है। दुल्हन मेरे घर बनती है। आप किधर जा रही हो अपने घर पे? हाँ हम आपको पैसे देने। ये अम्मी की तरफ से, अम्मी की तरफ से एक पैसों वाला हार भी है। अब भाभी की बारी है। चलो भाभी को दिखाइएगा गिफ्ट, खूबसूरत प्यारा सा माशाल्लाह। तो भाभी ने जो है ना गोल्ड का ये गिफ्ट दिया है। अल्लाह नसीब, अल्लाह पाक नसीब करे फातिमा की। बहुत प्यारा है। बस भाभी इसको बंद करके दे दे, ऐसे खोल के नहीं बैठी। अच्छा अच्छा जिनको देखना है।
सजन जी घर आए, दुल्हन की शर्माए, सजन जी घर आए, दुल्हन की शर्माए। ये किसकी तरफ का है? ये हमारी तरफ, ये हमारी तरफ का है बेटा। हम ऐसे वैसे थोड़ी है। अल्लाह पाक इन्हें दी जोड़ी कबूल करे। ओके जी, आज का व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको इंशाल्लाह और यकीनन ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अब देखो जी, कल का जो वलीमे का व्लॉग है वो क्या बनता है, क्या करना है। तो अभी तो मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे अच्छे बहुत प्यारे प्यारे मैसेज करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। बाय बाय।